हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी फ्रॉम गोडविल कॉलेज किठल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोडविल लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स का मैथ। ऑलरेडी इसका सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करा दिया गया था। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन में क्या दिया हुआ है? चैप्टर नंबर वन है हमारा नोइंग अवर नंबर्स। नोइंग अवर नंबर्स में क्या दिया हुआ है ये देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमें डिजिट्स। डिजिट्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी हैव 10 सिंबल्स। दीज सिंबल्स आर नोन एज डिजिट्स। जो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स यूज किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ये क्या है? डिजिट्स है। न्यूमरल, अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग इज नोन एज न्यूमरल। जैसे डिजिट्स का ग्रुप हो गया है, वो क्या बन गया? न्यूमरल बन गया। 24, 480 ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है। न्यूमरेशंस, दी मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज नोन एज न्यूमरेशंस। किसी शब्द, किसी नंबर को शब्दों में लिखना क्या कहलाता है? न्यूमरेशंस कहलाता है। इसके मेथड्स क्या है? नंबर वन इंडियन मेथड, नंबर टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। नंबर वन इंडियन नंबर सिस्टम, वंस, वंस में आता है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। इसके बाद आता है हमारा थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में आएगा हमारा थाउजेंड्स, 10,000। उसके बाद आता है लैक्स। लैक्स में आएगा लैक्स, 10 लैक्स। उसके बाद में आएगा करोड़। करोड़ में आएगा हमारा करोड़, 10 करोड़। उसके बाद आएगा हमारा अरब। अरब, 10 अरब। उसके बाद देखेंगे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले तो आएगा हमारा वंस। वंस में आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड्स। उसके बाद आएगा हमारा थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में आएगा हमारा सबसे पहले थाउजेंड्स, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद आता है मिलियंस। मिलियन में आएगा सबसे पहले मिलियंस, उसके बाद आएगा हमारा 10 मिलियंस, उसके बाद आएगा हमारा 100 मिलियंस। देन उसके बाद आता है बिलियंस। बिलियंस में आएगा सबसे पहले बिलियंस, 10 बिलियंस। देन ट्रायलियंस, ट्रायलियंस में आएगा सबसे पहले ट्रायलियंस और फिर उसके बाद में 10 ट्रायलियंस। अब देखेंगे हम इसमें कैसे कॉमा यूज करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे यूज करेंगे। इसके चार जगह कॉमा यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम 100 और 1000 के बीच में कॉमा यूज करेंगे, उसके बाद हम 10,000 और लैक्स के बीच में कॉमा यूज करते हैं, उसके बाद हम 10 लैक्स एंड करोड़ के बीच में कॉमा यूज करेंगे, फिर हम 10 करोड़ एंड अरब्स के बीच में कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है कॉमा कैसे यूज किया हुआ है। अब देखेंगे हम इसमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे कॉमा यूज करना है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कॉमा कैसे यूज करेंगे? नंबर वन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स के बीच में कॉमा आएगा, फिर उसके बाद में 100,000 एंड मिलियन के बीच में कॉमा आएगा, फिर उसके बाद में 100 मिलियंस एंड बिलियंस के बीच में कॉमा आएगा, फिर 10 बिलियंस एंड ट्रिलियंस के बीच में कॉमा यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने दिखाया गया है कि कैसे हमने इसमें कॉमा यूज किया हुआ है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे हम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होता है सबसे पहले ये देखेंगे। प्लेस वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज इन आ फ्लोइंग नंबर कैन बी यूजिंग। कैसे करते हैं? डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन प्लेस ऑक्यूपी इन दी प्लेस। जहां पे भी होता है, जिस भी स्थान पर डिजिट होता है, उसके साथ उसकी मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8,246 इसमें अंडरलाइन हुआ है 4। 4 की हमें पहले इस वैल्यू बतानी है। 4 × 10 = 40 यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? 40, क्योंकि हमने इसमें सबसे पहले क्या यूज किया था? मंथ टेंस के अकॉर्डिंग हमने लिखा। अब देखेंगे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू देखेंगे क्या होता है। फेस वैल्यू में दिया होगा
द वैल्यू ऑफ एनी डिजिट्स इन न्यूमरल रिमेन सेम इक्वल टू इटसेल्फ डिजिट्स इज कॉल्ड फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू होती है वो हमेशा उसी संख्या के बराबर होगी जो आपको संख्या दी होगी। फॉर एग्जाम्पल 25,647, इसमें भी 4 की फेस वैल्यू पूछी गई है। 4 मल्टीप्लीकेशन 1 इक्वल टू 4 आंसर, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी जहाँ पे जो, जो